हेलो वेलकम, मेरा नाम है जावेद अंसारी और आप सभी का दोस्तों स्वागत है सरकारी नौकरी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के द्वारा वैकेंसी जारी किया गया जिसमें आपको असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की आपको यहां पे पोस्ट मिल जाएगी। यहां पे देख सकते हैं दोस्तों जो वैकेंसी आपका जारी किया गया है बिहार पुलिस सुबॉर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन जिसमें आपको पोस्ट में यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की आपको यहाँ पे पोस्ट मिल जाएगी। फॉर्म को अप्लाई करने का जो डेट यहाँ पे आपको देखिए जारी किया गया है 4 मार्च से आपको इस फॉर्म को करना है अप्लाई। 30 मार्च 2020 तक इस फॉर्म को आप ऑनलाइन के माध्यम से करेंगे सबमिट। यहाँ पर दोस्तों जो फी आपको पेमेंट करना पड़ेगा जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट जो फी पेमेंट करेंगे 700 रुपीज़ आपको फी पेमेंट करना पड़ेगा। एससी एसटी कैंडिडेट 400 रुपीज़ फी पेमेंट करेंगे। फी पेमेंट करने के लिए जो दोस्तों यहाँ पे मोड मिलेगा आप चालान के द्वारा फी पेमेंट करना चाहेंगे तो कर सकते हैं या आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग के द्वारा आप फी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो आपकी एज रखी गई है पोस्ट को अप्लाई करने के लिए देख सकते हैं 1 जनवरी 2020 से आपका एज लिया जाएगा। मिनिमम 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम 25 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करने का जो पोस्ट है मैंने आपको पहले से बनाया है, इस पर बिहार पुलिस की जो वैकेंसी जारी की गई बिल्कुल सेम आपको प्रोसीड करके इस फॉर्म को अप्लाई करना है। अगर आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने फॉर्म अप्लाई करने का लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करके आप लोग उस वीडियो को जरूर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो आपको टोटल पोस्ट जारी की गई है 133 इसमें आपको टोटल पोस्ट मिल जाएगा। यहाँ पे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की आपको यहाँ पे पोस्ट मिल जाएगी यानी कि एएसआई स्टेनो की आपको यहाँ पे पोस्ट जारी की गई है। कैटेगरी वाइज दोस्तों यहाँ पे जो पोस्ट जारी की गई है देख सकते हैं जनरल कैंडिडेट के लिए जो पोस्ट यहाँ पे आपको मिलेगा 55 पोस्ट मिलेगा और बीसी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 9 पोस्ट जारी की गई है। ईबीसी कैंडिडेट के लिए 20 और बीसी फीमेल कैंडिडेट के लिए 4 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 13 पोस्ट और एससी कैंडिडेट के लिए 30, एसटी कैंडिडेट के लिए 2। टोटल यहाँ पे आपको 133 पोस्ट इनके द्वारा जारी की गई है जो कि बिहार के द्वारा ये वैकेंसी जारी की गई है। अप्लाई करने का जो मोड मिलेगा दोस्तों इस फॉर्म को आपको ऑनलाइन के बेस पे अप्लाई करना है। सबसे पहले अप्लाई करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको पहले फी पेमेंट करना पड़ेगा। फी पेमेंट करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसके बाद पूरा फॉर्म आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, हु कैन अप्लाई, कौन कौन कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं तो मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट इस फॉर्म को करेंगे अप्लाई। सैलरी जो है वो एज पर रूल्स है जारी नहीं की गई है इनके द्वारा। जॉब लोकेशन जो रहेगा दोस्तों बिहार रहेगा। सिलेक्शन अगर आपका हो जाएगा तो आपको ये जॉब जो करनी पड़ेगी बिहार में करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए, तो आपके पास जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपके पास दोस्तों क्वालिफिकेशन ओनली 12वीं का क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए बिल्कुल साफ साफ कहा गया है कि इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन एग्जाम पास्ड इन एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्किल टेस्ट डिटेल्स के बारे में दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं तो आपका जो स्किल टेस्ट लिया जाएगा हिंदी स्टेनोग्राफर आपका 80 वर्ड प्रति मिनट स्किल टेस्ट होगा। उसके बाद आपका कंप्यूटर टाइपिंग जो होगा हिंदी एंड इंग्लिश दोनों आपका कंप्यूटर टाइपिंग होगा। यहाँ पे 30 वर्ड प्रति मिनट आपका होगा, 300 वर्ड 10 मिनट में ये आपको पूरा करना पड़ेगा। एंड दोस्तों कंप्यूटर टेस्ट जो आपका लिया जाएगा गुड नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर का जिसमें आपको एमएस ऑफिस यानी कि वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट ये सब की जानकारी होनी चाहिए। उसके साथ इंटरनेट का आपको जानकारी होनी चाहिए, इतना आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। एंड यहाँ पे दोस्तों फिजिकल डिटेल्स के बारे में हम बात करते हैं जो आपकी हाइट यहाँ पे रखी गई है मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट यहाँ पे ली जाएगी देख सकते हैं जनरल बीसी ईबीसी कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। उसी प्रकार फीमेल के लिए हाइट यहाँ पे जो रखी गई है 150 सेंटीमीटर आपकी हाइट रखी गई है जनरल बीसी ईबीसी कैंडिडेट के लिए। एंड दोस्तों चेस्ट के बारे में हम बात करते हैं, चेस्ट ओनली मेल कैंडिडेट का लिया जाएगा जिसमें आपका 79 से 84 सेंटीमीटर आपका चेस्ट लिया जाएगा। रनिंग जो यहाँ पे होगा दोस्तों मेल कैंडिडेट के लिए रनिंग जो है 25 किलोमीटर आपको रनिंग करना पड़ेगा, 4 घंटे में ये रनिंग आपको पूरा करना है। उसी प्रकार फीमेल कैंडिडेट के लिए जो रनिंग है दोस्तों 14 किलोमीटर आपको रनिंग करना पड़ेगा, 4 घंटे में ये रनिंग आपको पूरा करना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसीड जो रहेगा दोस्तों सबसे पहले आपका प्री या मेन्स एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद आपका होगा सिलेक्शन। फॉर्म को सबमिट करने के लिए फोटोग्राफ सिग्नेचर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। अप्लाई कैसे करना है बिल्कुल नीचे आना है दोस्तों, है लिंक जो है वह यहाँ से एक्टिवेट है, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करके इस फॉर्म को करना है सबमिट। नोटिफिकेशन यहाँ से आपको क्लिक करेंगे मिल जाएगा नोटिफिकेशन, आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, पूरा डिटेल्स मैंने आपको इस फॉर्म से संबंधित बता दिया जो कि मैंने बहुत फास्ट बताया है। अगर आप लोग को कहीं नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा
कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक एंड शेयर। सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली जॉब संबंधी जानकारी मिलेगी और फॉर्म को कैसे अप्लाई किया जाता है ये भी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सो गाइस, हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। गाइस जय हिंद।